अच्छी लगी जी मूवी, बहुत अच्छी है जी, बहुत स्टार दिए जी। फाइव स्टार। थैंक यू थैंक यू। दस। 10%। थैंक यू। फाइव फाइव। ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया जी। फाइव। एक्शन मूवी है। अगर बात की जाए जॉन इब्राहिम की तो उनका स्टाइल कैसे लगा? काफी टाइम बाद में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे आए, तो काफी नाइस एक्शन मूवी है, पूरे फुल एंड लास्ट एंड एकदम इंटरेस्टिंग। लास्ट में इतना इंटरेस्टिंग मूवी है तो रेटिंग कितनी देंगे? 5.5 से। सर जॉन इब्राहिम के फैंस का यही कहना है कि मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक है। अगर बात की जाए गोल्ड के मुकाबले तो काफी अच्छी मूवी जा रही है। हालांकि शुरुआत में लग रहा था कि गोल्ड मूवी काफी अच्छी होगी, मगर सत्यमेव जयंती ने एक ऐसी पकड़ ली है कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। सर काफी टाइम बाद जॉन इब्राहिम ने और बाहर आए हैं, तो काफी अच्छा एक्शन है, मेन चीज एक्शन मूवी है, तो काफी अच्छी लगी। अगर हार्ट टचिंग सीन की बात की जाए तो कौन सा हार्ट टचिंग सीन है? हार्ट टचिंग सीन वही जो अपने पेरेंट्स के प्रति, काफी उसके फादर होते हैं जो मेडल के लिए, वो बचपन उसी के लिए लड़ता है लास्ट तक, और आखिर में मेडल हासिल कर लेता है। अगर रेटिंग की बात करें तो 5 में से कितने स्टार देंगे सत्यमेव जयंती? सर पूरे 5 में से। बात की जाए सत्यमेव जयंती की तो कैसी मूवी है? बहुत ही अच्छी मूवी है, मोटिवेटेड एंड करप्शन के रिगार्डिंग, और के हमारी पुलिस की टीम को और हमारे ऑल जो भी है उनको, उनके लिए एक अच्छा मैसेज दिया गया है इसमें, हम कैसे कर सकते हैं, एक नॉर्मल बंदा भी कैसे करप्शन के साथ लड़ सकता है। अगर बात की जाए जॉन इब्राहिम की तो उसकी एक्टिंग कैसी लगी आपको? जॉन इब्राहिम तो जॉन इब्राहिम है, माइंड ब्लोइंग। सबसे बढ़िया सीन कौन सा लगा? सबसे बढ़िया सीन जब वो अपने ब्रदर से मिलता है, एक्चुअली वो अपने ब्रदर का, उसका बड़ा ब्रदर जो बिग ब्रदर है वो रोल कर रहा है पुलिस का, ठीक है, जो जॉन इब्राहिम है वो कर रहा है विलन का, तो इसके रिगार्डिंग दोनों के बीच अच्छा चल रहा है। तो कहानी बहुत अच्छी है जी, जिसमें दिखाया गया जी करप्शन के ऊपर, ये बहुत ही अच्छी मूवी है। बाकी जो स्टोरी जो दिखाई जाती है जी, इसमें यही है कि पुलिस वाले जो है ये करप्शन वगैरह ये चीज़ें वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा जी मुझे। बहुत औसम मूवी है ये, सत्य पे जीत की प्रेरित करती है मूवी को, और इस मूवी से काफ़ी अच्छा मोरल मिलता है, और करप्शन के अगेंस्ट मूवी है ये। ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है करप्शन पे, जो पुलिस वाले करप्ट होते हैं उनको वो मतलब कि मारता है, और उसके बाद वो बताता है कि सत्यमेव जयते ही है। अगर बात की जाए जॉन इब्राहिम की तो उनका कैसा रोल है, कैसा किरदार है? वो एक्चुअली मनोज वाजपेयी के भाई हैं फिल्म में, ठीक है, और उनका ये एक जो पेंटिंग वगैरह बनाते हैं उसमें, और वो करप्ट ऑफिसर को मारते हैं। जी हाँ, मनोज वाजपेयी के भाई हैं और करप्ट ऑफिसर को मारते हैं जॉन इब्राहिम। अगर मनोज वाजपेयी की बात करें तो कैसा रोल है उनका और क्या किरदार है? उनका पुलिस का रोल है, वो काफी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में, बहुत डिसेंट एक्टिंग की उन्होंने। जी हाँ, इनका कहना है कि डिफरेंट मिस्ट्री है। अगर बात की जाए मनोज वाजपेयी की तो वो एक पुलिस ऑफिसर है, अगर बात की जाए जॉन इब्राहिम की तो वो इसमें विलन है। आए बात करते हैं सर, अगर बात की जाए पूरे कॉन्सेप्ट की, कैसा टेस्ट लगा जॉन इब्राहिम एज ए विलन, आप कह सकते हैं उसे कि नहीं? विलन तो नहीं कह सकते, बट है एक नेगेटिव रोल तो है, बट कानून की तरफ से देखो नेगेटिव है, बट समाज के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है। अगर बात की जाए हार्ट टचिंग डायलॉग की तो आपको कौन सा लगे? आप हार्ट टचिंग डायलॉग तो आई थिंक वो है जब वो एक असलम को मारते हैं, मूवी में सीन होता है असलम को मारते हैं, तो वो कहता है कि, पुलिस वाला कहता है कि तुम 20 मिनट की अपनी वो पढ़ो, तब तक नमाज पढ़ो तब तक मैं उसको मारता हूँ, तो मैं देखता हूँ कौन मसीह आता है, तब जॉन इब्राहिम आता है, तो वो सीन काफी अच्छा लगा। लाइन की बात करें तो किस तरह की स्टोरी है? स्टोरी पूरी उस समय जैसे कि उसके फादर को मारा होता है, इसीलिए वो बदला लेने के लिए एक अपना ही अलग सत्यमेव जयते का वो बनाता है, मिशन बनाता है। सस्पेंस की बात करें तो किस तरह सस्पेंस इस मूवी का स्टार्ट होता है? सस्पेंस ऐसे है कि उसके फादर को पहले उन्होंने मारा होता है, झूठे इल्जाम में फंसा के उसको सस्पेंड कराया जाता है, तो वो उसी चीज का जॉन इब्राहिम इस फिल्म में मूवी में बदला लेते हैं, जो कि मनोज वाजपेयी को लगता है कि उसके फादर सच में करप्ट थे, बट वो ऐसा नहीं था, इस मूवी में उसने ये साबित किया है कि मेरे उसके फादर करप्ट नहीं थे, और उसका चीज का बदला लिया चीज। सर अगर बात की जाए सत्यमेव जयता की तो आपको मूवी कैसी लगी? सर मूवी इज द बेस्ट सर, बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया गया, दो ब्रदर्स हैं
ब्रदर्स, उसका छोटा ब्रदर खुद ही उसकी पूरी हिट लिस्ट बनाता है, सत्यमेव जयते एस ए सभी के अल्फाबेट्स की तरह उसके नेम्स उठाता है और सभी के कातिल करता है, कत्ल करता है, और एंड में जाकर उसको पता लगता है कि उसका छोटा ही भाई खुद ही कातिल है। जी हाँ, ये बता रहे हैं कि बदला लेते हैं सत्यमेव विजेता में जॉन इब्राहिम बदला लेते हैं या मनोज वाजपेयी? जॉन इब्राहिम बदला ले रहे हैं। जी हाँ, जॉन इब्राहिम जो है बदला ले रहे हैं। अगर बात की जाए सत्यमेव विजेता की, तो सत्यमेव विजेता में आपको सबसे बढ़िया किरदार किसका लगा? जॉन इब्राहिम का। अगर बात की जाए ओवरऑल कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? कॉन्सेप्ट बेस्ट है। अगर बात की जाए रेटिंग की, तो 5 में से कितने स्टार देंगे? आई विल गिव 5। सर, मूवी इज गुड एंड कॉन्सेप्ट इज आल्सो गुड। अगर बात की जाए जॉन इब्राहिम की, तो उनकी एक्टिंग आपको कैसी लगी? सर, ओवरऑल गुड। गुड लगी। अगर बात की जाए इस तरह की मूविया की, तो आपका क्या मानना है कि इस तरह की मूविया और बननी चाहिए? यस सर, ऑफ कोर्स। अगर बात की जाए रेटिंग की, तो 5 में से कितने स्टार देने चाहिए? सर, 5। जाए मूवी की, तो कैसी लगी आपको? स्टोरी अच्छी है, बढ़िया स्टोरी है। मतलब इसमें कुछ सीखने को मिल रहा है कि जॉन इब्राहिम का किरदार बहुत इसमें बढ़िया किया गया है। थॉटफुल स्टोरी है, मतलब देखनी चाहिए थी सारे। अगर आप रेटिंग की बात करें, तो 5 में से कितने स्टार देंगे? 5 में से स्टार तो मैं एक्चुअली 4 स्टार दूंगा भाई। सो दोस्तों, इस हफ्ते जो मूवी लगी है वह है सत्यमेव जयते। अगर बात की जाए सत्यमेव जयते की, तो पिक्चर जो है बहुत खूबसूरत है। अगर बात की जाए जॉन इब्राहिम की, तो उनकी एक्टिंग जो है बेमिसाल है। अगर बात की जाए मनोज वाजपेयी की, जैसा कि आप जानते हैं कि मनोज वाजपेयी की जो डायलॉग्स डिलीवरी है बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है। अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए, तो बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम जानते हैं, हम भारतीय जो है सत्यमेव जयते, जब भी हम पुलिस में कोई भी जॉब करते हैं, तो वहां पे जो है हमें कसम खिलाई जाती है कि हमें सत्य के लिए अपनी जान तक दे देनी है, सत्य ही सबसे बड़ा है। मगर क्या होता है कि मनोज वाजपेयी के और जॉन इब्राहिम के फादर के ऊपर झूठे इल्जाम लगते हैं, जिससे वह सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करने के बाद जो है जॉन इब्राहिम जो है वह ठान लेते हैं कि अपने पिता की मौत का बदला लेना ही लेना है। बस इसी से शुरू हो जाती है स्टोरी। दूसरी तरफ जो मनोज वाजपेयी है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए मनोज वाजपेयी की, तो मनोज वाजपेयी जो है वह एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। एक तरफ जो है जॉन इब्राहिम है, जो लगातार जो है खतरनाक गलत जितने भी करप्ट पुलिस ऑफिसर हैं उनको मारी जा रहे हैं। मगर मनोज वाजपेयी को यह नहीं समझ आ रहा कि वो कातिल है कौन। मनोज वाजपेयी को यह नहीं समझ आ रहा कि कातिल है कौन। और अंत में जब कातिल का पता लगता है, तो उसे मालूम होता है कि मेरा ही भाई जो है लगातार जो है जॉन इब्राहिम जो है वही कातिल कत्ल कर रहा है। तो अंत में क्या होता है कि जॉन इब्राहिम को जो है मनोज वाजपेयी गोली मार देते हैं। मगर इसके बाद जो सत्य सामने आता है कि उनके जो फादर है उनको झूठा फंसाया गया था, और जॉन इब्राहिम जो है अपना बदला ले लेते हैं। अगर रेटिंग की बात करें, तो 5 में से 5 मार्क्स मिल रहे हैं। अगर बात की जाए स्टोरी की, कॉन्सेप्ट की सस्पेंस है, स्टोरी अच्छी है। अगर बात की जाए इसके मुकाबले गोल्ड पिक्चर की, तो गोल्ड पिक्चर बहुत खूबसूरत पिक्चर नहीं है, काफी बोरिंग है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है। अगर फर्स्ट हाफ की बात की जाए, तो गोल्ड जो मूवी है उसका फर्स्ट हाफ बहुत वीक है, इसलिए जो है स्टार्टिंग में जो गोल्ड को भीड़ पड़ रही थी, वह कहीं ना कहीं जो है सत्यमेव जयते को कन्वर्ट हो रही है। गोल्ड के जो रिव्यू आ रहे हैं बहुत ही डाउन है। सो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं, देखते रहे फॉक्स पंजाबी।